नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूं वर्ल्ड बुक फेयर मेले में एक बार फिर से दिल्ली के प्रगति मैदान में। विश्व पुस्तक मेला 25 फरवरी से 5 मार्च तक लगाया गया है। लास्ट बार बुक फेयर 2020 में लगा था, कोरोना महामारी बीमारी के कारण 3 साल बाद अब 2023 में लगाया गया है। इस बार यह पुस्तक मेला 2 गुनी क्षमता के साथ पहले से और भी बढ़िया लगाया गया है। इस साल इस बुक फेयर की थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस बार इस बुक फेयर में 2000 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर के स्टॉल लगाए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप यहां कैसे पहुंचें और क्या टाइमिंग है, क्या टिकट है, इस वर्ल्ड बुक फेयर में मुख्य आकर्षण क्या है। A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। लोकेशन की बात करें तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि ये बुक फेयर दिल्ली के प्रगति मैदान में हर साल विंटर के समय में लगाया जाता है। यहाँ पर आप दिल्ली के लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे दिल्ली के लोकल ऑटो, दिल्ली की DTC बसें और दिल्ली मेट्रो के माध्यम से आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। प्रगति मैदान के नज़दीकी 2 मेट्रो स्टेशन हैं, एक है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। टिकट की बात करें तो यहां पर एडल्ट की टिकट 20 रुपये की होने वाली है और बच्चों की 10 रुपये की। टिकट आपको प्रगति मैदान के गेट नंबर 2 से और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से मिल जाएगी। यह बुक फेयर सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला है। एक बात ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, लास्ट एंट्री 5 बजे की है। 5 बजे के बाद आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए आप कोशिश करें कि 5 बजे से पहले आप अंदर एंट्री करवा लें। इस बुक फेयर में एंट्री आप प्रगति मैदान के गेट नंबर 10 और गेट नंबर 4 से कर सकते हैं। ये देखिए सामने, मैं गेट नंबर 4 पर पहुंच चुका हूं दोस्तों। आज पहला दिन है दोस्तों, 25 तारीख है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। इस बुक फेयर के मुख्य आकर्षण हैं बाल मंडप, लेखक मंच, युवा मंच, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि मंच, थीम मंच, मंडप और भी बहुत सारी एक्टिविटी और कार्यक्रम यहाँ पे हैं दोस्तों। मैं गेट नंबर 4 से अंदर एंट्री कर चुका हूँ दोस्तों। मैं यहाँ 5 साल बाद आया हूँ दोबारा। पहले प्रगति मैदान इस तरह नहीं था, अब देख सकते हैं आप कितना अच्छा अब बना दिया गया है। ये देखिए, ये हॉल नंबर 5 है। मैं आपको सभी हॉल दिखा देता हूँ। ये हॉल नंबर 4 का गेट है दोस्तों, और इसके आगे हॉल नंबर 3 है। ये हॉल नंबर 3 है, इसके आगे दोस्तों हॉल नंबर 2 है। ये दोस्तों हॉल नंबर 2 है, हॉल नंबर 2 से मैं अंदर एंट्री करूँगा। प्रगति मैदान के इन हॉलों पर बुक फेयर लगाया गया है। यहाँ पर ये सभी हॉल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप एक हॉल से दूसरे हॉल में आसानी से आ जा सकते हैं। इस पुस्तक विश्व मेले में पहली बार भारत और फ्रांस एक साथ एक मंच पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इस बार इस बुक फेयर में मुख्य अतिथि फ्रांस देश है। और इस बुक फेयर की एक ख़ास बात दोस्तों, इस बुक फेयर में आपको G20 देशों के स्टॉल भी नज़र आएंगे। जो भी बुक्स लवर हैं वो लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ, यहाँ पर उनको हर प्रकार की बुक्स मिल जाएंगी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलोसफी, एस्ट्रोलॉजी और भी कई सारी सब्जेक्ट की आपको बुक्स यहाँ मिल जाएंगी। लो बुक्स, एजुकेशनल बुक्स, यहाँ पर आप बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स, एक्टिविटी बुक्स और भी कई तरह के गेम वगैरह भी आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। ये देखिए यहाँ पे लेखक मंच है दोस्तों, ये यहाँ पर आप लेखकों की स्पीच सुन सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। यहाँ पर आपको बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे हार्पर, पेंगुइन, स्कॉलास्टिक, साइमन सिस्टर, चाचा चौधरी, ओम बुक इंटरनेशनल, ब्लूम्सबरी, रूपा, रोली, राजपाल, मंजूल, डायमंड आदि कई सारे पब्लिशर यहाँ पर मौजूद हैं। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर नेशनल पब्लिशर के अलावा अन्य देशों के पब्लिशर भी मौजूद हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी भीड़ है कस्टमरों की।
ये देखिए सामने, यहाँ पर नेशनल बुक ट्रस्ट का भी स्टॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा NBT का है दोस्तों। NBT के ही द्वारा ये पूरा वर्ल्ड बुक फेयर लगाया जाता है। हिंदी पुस्तक के प्रेमी हॉल नंबर 2 में ज़रूर जाएं। हॉल नंबर 2 में आपको हिंदी प्रकाशन, हिंदी साहित्य की बुक्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर खाने पीने के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं, आप देख सकते हो सामने। यहाँ पर आप सभी का फेवरेट डोमिनोज पिज़्ज़ा भी है। दोस्तों अगर आप बुक लवर हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ पर आपको आपके मनपसंद की पुस्तक ज़रूर मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा बना रखा है, चक्र घूम रहा है, जनगणमन लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पर कई सारे पब्लिशर हैं, ओशो पब्लिकेशन, ये आप देख सकते हैं, ओरिएंट ब्लैक सोन पब्लिकेशन, मनोहर पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटर। आपको यहाँ पे आपकी मनपसंद की बुक अवश्य मिलेगी दोस्तों। ये देखिए ब्लूम्सबरी पब्लिशर, हर छोटे छोटे बड़े से बड़े पब्लिशर यहाँ पर मौजूद हैं दोस्तों। मैंने आपको यहाँ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है दोस्तों। अब वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा। इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।